हेलो दोस्तों, मैं श्री सदर टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हरा भरा ये मेरा पौधा आप देख रहे हैं, आज मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको और ये कितना ग्रीन है। अब खूबसूरत पत्तियाँ हैं इसकी और एक छोटे से बहुत बड़ा पॉट तो नहीं है, तो मीडियम साइज़ का पॉट है इसमें लगा है। ये डालने का डिब्बा 16 लीटर का होता है, तो उसको मैंने कट करके हाफ में लगाया है। तो दोस्तों, ये पौधा है डेविल बैग बोन प्लांट। तो और डेविल ये बैग बोन प्लांट क्यों इसको कहते हैं, ये देखिए, इसमें ये रिंग टाइप की, ये रिंग टाइप की, ये गठान टाइप का होता है। ये बोन की तरह ही दिखता है, बैग बोन की तरह, ये देखिए इसको कहते हैं। तो दोस्तों, ये दो तीन तरह का होता है। एक पतली पत्तियाँ होती हैं काटे काटे जैसी, वो दूसरा एक वेरीगेटेड पत्तियों वाला होता है, और मेरे पास ये एक सिंपल ग्रीन पत्तियों वाला है। ये तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, और जो वेरीगेटेड होता है शेडेड पत्तियों वाला, वो तो और भी खूबसूरत लगता है। तो उसको भी मैं ऐड करूँगी, अभी मैं इसको नहीं ला पाई। तो दोस्तों, ये नर्सरी से मैंने लाया था, बहुत छोटा प्लांट था, इसकी केयर मैंने की तो ये तैयार हो गया। और दोस्तों, ये समर का ही पौधा है इसका, ये समर से लेके ये 9 अक्टूबर तक बहुत अच्छा चलता है। फिर ज़्यादा ठंड पड़ने पर इसकी पत्तियाँ में उतनी खूबसूरती नहीं रहती है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियाँ भी गिरने लगती हैं, ये भी रीज़न है। हाँ, अगर आप अंदर रख दो शेड में तो फिर पत्तियाँ रहती हैं, पर जो समर में रहती हैं और ये मानसून सीजन में रहती हैं, उतनी अच्छी खूबसूरत पत्तियाँ इसकी नहीं रहती। ये डोरमेंसी में ज़्यादा ठंड में चला जाता है। तो दोस्तों, इसको हम कटिंग से भी बहुत सरलता से लगा सकते हैं, और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हम 1-2 माह में एक बार नाइट्रोजन युक्त कोई फर्टिलाइज़र डाल दें, 2 माह में भी डालेंगे तो चल जाएगा। बस नाइट्रोजन से ये इसकी पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद बहुत ही अच्छी होती है, या कि सरसों की खली का जो हम लिक्विड बनाते हैं, या उपलों की खाद का जो लिक्विड बनाते हैं, उसको हम अच्छे से पत्तियों में दे दें। सरसों की खली को पत्तियों में ना दें, उससे पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। इसको हम सिर्फ मिट्टी में ही दे सकते हैं उसका लिक्विड, और बाकी जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का या उपलों की खाद का हम लिक्विड भी अच्छे से पत्तियों में दे दें और ब्रांचों में दे दें और मिट्टी में दे दें, तो ये सदा ग्रीन हरा भरा रहेगा। इनऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो इसके लिए यूरिया बहुत ही अच्छा रहेगा, यूरिया खाद। बस जैसे एक पौधा बड़ा है तो 10-12 दाना यूरिया का दे दें और 4-5 दाना डीएपी दे दें। डीएपी में फास्फोरस रहती है, तो ये ब्रांच को मजबूत करेगा, और खाना भी जो मजबूत होती हैं ये ब्रांच हमारी, स्टेम इसकी मजबूत रहती हैं और टूटने उठने का डर नहीं रहता है। तो और जो है यूरिया नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है, उससे पौधे भी बढ़ते हैं हमारे, जो ब्रांच बढ़ती हैं और ये पत्तियां हरी भरी स्वस्थ रहती हैं। तो हम 4-5 दाना इस पौधे के हिसाब से डीएपी दे सकते हैं और 10-12 दाना नाइट्रोजन, उसका लिक्विड बना के हम अच्छे पत्तियों में और मिट्टी में स्प्रे कर दें। माह में एक बार या 2 माह में भी हम दे सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस ऐसी मिट्टी मॉइस्ट रहे। अभी थोड़ी पानी इसका सूख गया है, मैं डालूंगी आज, 3-4 दिन से नहीं दिए, तो सप्ताह में 2 बार दे दें इसको। और बहुत ज़्यादा इसको धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं। हाँ, सुबह की 1-2 घंटे की इसको धूप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर दोपहर की धूप से इसको बिल्कुल बचाएँ। ज़्यादा धूप से इसकी पत्तियाँ के कलर निखर के नहीं आता है, खूबसूरत पत्तियाँ नहीं दिखती हैं। चलो, तो दोस्तों, इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो कटिंग जब हम अगर करते हैं तो इसका पेंसिल का कर लें, लेकिन जो कटिंग इसका जो लिक्विड रहता है थोड़ा पॉइजनस होता है, तो थोड़ी इचिंग भी हो सकती है किसी को। पर जब उसका पानी हम कट करके पेंसिल का कर रख दें और उसका थोड़ा जो ये लिक्विड टाइप का हल्का वो जो पानी रहता है पॉइजनस, वो जब सूख जाए तो हम बरसात में बड़ी ही आसानी से इसको कटिंग लगा दें। ना ही इसमें हल्दी की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको एलोवेरा की। ये बरसात में रेनी सीजन में ऐसे ही इसके कटिंग लग जाती है बड़ी आसानी से, तो हम नए पौधे भी बना सकते हैं। तो इसकी मिट्टी मॉइस्ट होना चाहिए, पानी इतना हम दें कि बहुत ज़्यादा गीली ना रहे और मिट्टी भुरभुरी रहे, बेलडन रहे, कि अगर पानी ज़्यादा चला गया है तो
उसकी निकासी हो जाए, मिट्टी में न रुके कि हमारे पौधे की जड़ें खराब ना हो। और सुबह की 1 से 2 या 3 घंटे की धूप चाहिए, गर्मी की धूप से इसको बचाएं, दोपहर की धूप से इसको बचाएं, तो ये पौधा हरदम हरा भरा रहेगा और ग्रीन ग्रीन दिखेगा, आपके गार्डन की खूबसूरती लाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।